यूपी के फिरोजाबाद में डीएपी इंटर कॉलेज में अध्यापक ने एक छात्र के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे छात्र लहूलुहान हो गया। वहीं दरअसल छात्र विनय ने बताया है कि उसे कक्षा की दूसरी बच्ची मारपीट कर रही थी उससे, जिसकी शिकायत लेकर वह अध्यापक के पास पहुंचा, लेकिन टीचर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और सिर पर डंडा मार दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पिता ने पुलिस को सूचना देते हुए बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 6 में चतुर्थ कालांश में डॉक्टर राजेश का घंटा था, वो गए हैं। बच्चे उद्धम कर रहे होंगे या जो भी है, उनका कहना ये है कि मैंने सीट में डंडा खटकाया, लेकिन गलती से छोटे बच्चे के सिर में लग गया। बच्चे लड़ रहे थे तो सीट से छोटा है, अच्छा सीट थोड़ी ऊंची है, सीट पे लग गया सर। घटना क्या हुई है, मेरे पास फोन आया, स्कूल के बच्चों ने फोन किया था कि तुम्हारे बच्चे को चोट मार दी है सर ने, डंडा मार दिया है सर ने।